प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं। गणपति महोत्सव के चौथे दिन पर आइए श्रवण करते हैं श्री गणेश महिमा की कथा का, और साथ में ही जानेंगे आज के पंचांग के साथ गणपति महोत्सव के तहत कुछ खास जानने जैसी बातों को। मास भाद्रपद, तिथि सप्तमी, पक्ष शुक्ल, नक्षत्र अनुराधा, ऋतु वर्षा। भारत देश के प्रसिद्ध गणेश तीर्थों में से आज दर्शन करेंगे गुजरात के अहमदाबाद में धोलका तालुके में विराजमान श्री सिद्धि विनायक गणपति जी के। अहमदाबाद जिले के कोठ गांव में स्थित यह मंदिर गणेशपुरा गणपति जी के नाम से प्रसिद्ध है। देवी बूट भवानी के प्रसिद्ध तीर्थ अरणेज से करीब 6.5 किलोमीटर की दूरी पर यह धाम स्थित है। गुजरात के यह गणपति जी उतने ही प्रसिद्ध है जितने कि मुंबई के सिद्धि विनायक। इस गणपति जी के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहां पर आते हैं। कई लोग पैदल यात्रा करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने हेतु यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। शुक्ल चतुर्थी के दिन दर्शनार्थियों की बड़ी भीड़ यहां पर उमड़ती है। इन दिनों में सुबह 5 बजे से ही भक्तों के लिए दर्शन खुल जाते हैं। शांत और प्राकृतिक वातावरण में निर्मित यह मंदिर 145 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा एवं 51 फीट ऊंचा है। इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार भी दर्शनीय है। अंदर प्रवेश करते ही मन अन्य विचारों को छोड़ आध्यात्मिक भावना में स्थिर होता है। यहाँ पर गणपति जी सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान है। इस मंदिर में गणपति जी की एक अन्य प्रतिकृति भी निर्मित है। माना जाता है कि इस मूर्ति के कान में आप अपनी मनोकामना कहें तो आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। सालों से विराजमान यह गणपति जी ने हजारों भक्तों के जीवन को धन्य बनाया है। आखिर क्या है इस गणपति जी का महत्व? क्यों इतने भक्त इस गणपति जी के दर्शन के लिए उमट पड़ते हैं? इस महिमा को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा विक्रम संवत 933 के उस समय में। उस समय हाथल गांव में झाड़ियों के पास खुदाई करने से एक गणेश जी की प्रतिमा निकल आई थी, जिनके पांव में स्वर्ण पायल, कानों में स्वर्ण कुंडल, कमर पर स्वर्ण की कटी मेखला और मस्तक पर स्वर्ण मुकुट विराजमान था। यह देख सभी को आश्चर्य हुआ कि जमीन में ऐसे कीमती आभूषणों से युक्त इस मूर्ति को किसने गाड़ी होगी। इस प्रश्न का समाधान तो न मिल सका, परंतु वहां के 3 गांव के लोगों ने इस मूर्ति को देख लिया था, अतः वे सब इस मूर्ति को अपने अपने गांव में ले जाने के लिए आपस में लड़ने लगे। इसका हल निकालते हुए वहां के कुछ समझदार लोगों ने कहा कि इस मूर्ति को बिना बैल की गाड़ी में रख दिया जाए। भगवान गणेश स्वयं ही यह निर्णय करेंगे कि उन्हें कहां पर जाना है। उनको जिस तरफ जाना होगा उस तरफ यह बैलगाड़ी चल पड़ेगी। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी जहां रुक गई उस स्थल पर गणपति जी की मूर्ति को निकालकर स्थापित किया गया, और वही जगह आज गणेशपुरा के नाम से प्रसिद्ध है। इसीलिए यह गणपति जी स्वयंभू है और भक्तों की आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज के दिन की गणेश महिमा की कथा। महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत से कहा, हे राजन, विघ्नहर्ता गणपति जी के आख्यानों में राजा भीम की कथा आती है। विदर्भ देश में भीम नामक राजा था। उसने कौंडिल्यपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। उसे चारुहास्मी नामक पतिव्रता पत्नी थी। उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा था, किंतु बड़ी आयु होने पर भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। इसके लिए राजा ने सोचा कि इस समस्या का कुछ तो उपाय करना चाहिए। यह सोचकर राजा ने अपना राज्य उनके विश्वासपात्र अमात्य को सौंपा और कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक प्रजा का पालन करना और हमारी राज्य सीमाओं का भी ध्यान रखना। इतना कहकर राजा वन की ओर प्रयाण करते हैं। वन में चलते हुए वह महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया। महर्षि ने उनका परिचय और आश्रम में आने का प्रयोजन पूछा। प्रत्युत्तर में राजा ने अपना परिचय दिया
और अपनी चिंता भी जताई। महर्षि ने ध्यान लगाकर सब कुछ पता किया और कहा कि तुमने अपने पूर्व जन्म में भगवान विघ्नेश्वर का अनादर किया था, इसी के फलस्वरूप तुम इस जन्म में संतानहीन रहे हो। यदि तुम उन्हें प्रसन्न कर लो तो तुम्हें संतान प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर राजा ने अपने पूर्व जन्म के वृतांत को सुनने की इच्छा जताई। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, आपके कुल में बहुत वर्ष पूर्व भीम नामक एक अन्य राजा था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर एवं पतिव्रता थी। उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु प्रारब्धवश वह पुत्र गूंगा, बहरा और विकलांग था। उसके शरीर में से दुर्गंध फैल रही थी। माता पिता ने उसका नाम दक्ष रखा। बहुत प्रयत्न करने पर भी उस पुत्र की खामियां दूर न हो सकी। फिर उसे किसी महापुरुष ने कहा कि यदि पुत्र अपनी माता के साथ तीर्थाटन करे तो यह रोग दूर हो सकता है। यह सुन रानी और उनका पुत्र तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। बीच में उन्हें चोर लुटेरों ने लूट लिया। अपने पास कुछ भी न बचने के कारण उन्होंने एक शिव मंदिर में आश्रय लिया। वहां पर अपने पुत्र को रखकर आसपास के गांव में भिक्षा के लिए निकल गई। उसी समय उस मंदिर के पास से एक यशस्वी ब्राह्मण पसार हुए। उनके शरीर को स्पर्श कर चलने वाली वायु ने उस बालक को स्पर्श किया, जिससे उसकी सारी बीमारियां दूर हो गई। माता आते ही अपने पुत्र को रूपवान और रोग मुक्त देखकर आनंदित हो गई। उसने उस ब्राह्मण का पता लगाया। जानने पर पता चला कि वह ब्राह्मण गणेश उपासक है। उस ब्राह्मण ने रानी को गणपति उपासना का उपदेश दिया। यह सुनकर माता और पुत्र दोनों ने ही गणपति जी की आराधना की। आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने स्वप्न में आकर रानी को ऋषि मुद्गल के पास जाने की आज्ञा दी। माता और पुत्र दोनों महर्षि मुद्गल के आश्रम में पहुंचे। महर्षि ने रानी को गणेश जी के एकाक्षरी मंत्र गम के अनुष्ठान का उपदेश दिया। इस एकाक्षरी मंत्र की उपासना से उस परिवार का जीवन सुखमय हो गया। यह कथा सुन राजा भीम को ब्राह्मण को स्पर्शित वायु से उस बालक के साथ हुए चमत्कार पर संदेह होता है। वह ऋषि विश्वामित्र से अपने संदेह का निराकरण करने की प्रार्थना करते हैं। महर्षि विश्वामित्र बोले, हे राजन, यह तो भगवान गणपति जी की इच्छा से ही हुआ है। भगवान गजानन चाहे तो कोई भी व्यक्ति को अभीष्ट प्रदान कर सकते हैं, अतः हे राजन, इस बात पर कतई संदेह न करें। महर्षि विश्वामित्र ने राजा भीम को भगवान गणेश्वर की महिमा की कथा सुनाई, जिससे राजा भीम की गणपति जी के प्रति आस्था बढ़ने लगी। उसने पुनः यह चरित्र सुन महर्षि विश्वामित्र को और अधिक गणेश चरित्रों का श्रवण करवाने की प्रार्थना की। आगे की कथा का श्रवण करिए कल की गणेश महिमा की कथा में। गणेश पूजन में कुछ खास ध्यान रखने जैसी बातें। गणेश पूजन के दौरान उन्हें लाल सिंदूर से तिलक लगाएं। सिंदूर की लाली गणेश जी को अधिक प्रिय है। गणपति अथर्वशीर्ष के अनुसार जो भी भक्त गणपति को मोदक का भोग लगाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गणेश जी की घी से भी पूजा करनी चाहिए, जो कि पुष्टिवर्धक और रोगनाशक भी कहा जाता है। अतः घी से पूजा करने पर गणेश जी की कृपा हम पर बनी रहती है। गणपति अथर्वशीर्ष में कहा गया है कि घी से गणपति की पूजा करने पर ज्ञान एवं बुद्धि की वृद्धि होती है। माना जाता है कि गणपति जी को शमी के फूल अत्यंत ही प्रिय है, अतः पूजा द्रव्यों में इसका समावेश कर गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। ओम गम गणपतये नमः।